नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको द्वितीय सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के लिए विज्ञान और गणित की लगातार क्लासेस दी जा रही हैं, हैंड रिटन नोट्स के साथ विगत वर्षों के प्रश्न हो गए, चाहे पवन सीरीज हो, राजन सीरीज हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। आज यह आपकी चौथी क्लास है विज्ञान की। यदि आपने अभी तक वह क्लास नहीं देखी है, आई बटन पर टच करिए, विज्ञान संजीवनी क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उनको देखिए। और यह मेरा वादा है, यह विज्ञान की चौथी क्लास है, इन चारों क्लासेस के बाहर से एक प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं आएगा। जो भी मेरे बैक प्रशिक्षु साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि वीडियो ऐसी ही आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह चैनल आपको अपना 100% दे रहा है, आपको बस इतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज आपको विगत वर्षों के प्रश्न करवाएंगे, तो अब आप रोमेश सर के साथ क्लास पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि हमने अभी लव प्रश्न की पहली क्लास कंप्लीट कर ली है, आज दूसरी क्लास है जिसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, उसके लक्षण और उसके बचने के उपाय। तो हमारे जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है। तो उनमें से कुछ देख लेते हैं पोषक तत्वों का ना, विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है, ये सारे। अगर आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन में सारे विटामिन के लक्षण, रोग सारा कुछ बताया था पहले ही बहुविकल्पी प्रश्न में। तो हमें ये क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप लोगों को याद होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, चर्म रोग, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, कार्निया की कोशिकाएं सूख जाती है, जो आंख में कार्निया कोशिका होती है वो सूखने लगती है, उससे क्या होता है आंखें कमजोर हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है कम दिखाई पड़ता है। इसके उपाय क्या है, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन करना, हरी सब्जियों का सेवन करना, गाजर, दूध, अंडे और मछली, इन सभी का सेवन करना, जिससे विटामिन ए का रोग न हो पाए। अगर विटामिन ए नहीं आ रहे तो विटामिन बी है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये सारे विटामिन आपको याद रखने, मैंने पहले ही बहुविकल्पी क्वेश्चन में सारे विटामिन बता दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर पर अपनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं भूकंप क्या है, तो इसके आने के मेन कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भूकंप आता है, पृथ्वी का सिकुड़ना, अगर पृथ्वी सिकुड़ती मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट पर आ जाती है तब भूकंप आता है, वलन तथा भ्रंश, इनसे क्या होता है, इनसे बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हो जाता है, भू संतुलन उसका गड़बड़ हो जाता है भूमि का, तब आता है कृत्रिम, कई सारे कृत्रिम कारण होते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता रहता है। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, भूकंप जो होता है मानव के लिए अभिशाप और कभी कभी वरदान भी सिद्ध हो जाता है, इसके कई लाभ हैं और कई हानियां भी होती हैं। तो हानियां देख लेते हैं, सबसे पहले हानियां सभी को बताऊंगी कि भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है, कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाता है और उनका प्रवाह रुक जाता है। और देखते हैं, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती जिससे जल यानों को भारी क्षति होती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है भूकंप से, फायदा बहुत ही कम होता है। तो तीन ही चार पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि लव क्वेश्चन है, जितने उतना ही ज्यादा लिखेंगे जितना नंबर की जरूरत है, दो तीन पेज लिखने की जरूरत नहीं कि दो तीन पेज लिख डाला अगले क्वेश्चन को भूल गए,
टाइम इसी में पूरा दे दिया, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखते हुए काम करना है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ से उतनी लाभ क्या होते हैं, भूकंप से जितनी ज्यादा क्षति होती है उसका 1/1000वां भाग भी लाभ नहीं होता है। मतलब ने बताया ना, लाभ थोड़ा सा भी नहीं होता है। लेकिन देख लेते हैं कुछ अप्रत्यक्ष लाभ निम्न है। भूकंपी तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जो भूकंप की तरंगे पैदा होती हैं उससे हमें क्या होता है, भूमि के गर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कई बार भूकंपी प्रदेशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए तो लाभदायक होते हैं। कई बार क्या होता है, जब भूकंप आता है कहीं कहीं प्रदेशों में पानी है ही नहीं, बहुत ही कम स्रोत पाए जाते हैं, तो वहां नए स्रोतों का जन्म होता है जिससे ये लाभ मनुष्य को देता है। तीसरा पॉइंट है, भूकंप से बड़े पैमाने पर वलन या भ्रंश पड़ जाते हैं। हमने अभी बताया था वलन तथा भ्रंश, बड़े बड़े चट्टान, बड़ी बड़ी घाटियां, पठार, पर्वत आदि नई नई स्थलाकृतियां बन जाती हैं इससे, भूकंप आने से। इसके उपाय क्या है, भूकंप आने के समय विद्यालय तथा भवन से तुरंत बाहर खुले स्थानों पर आ जाएं। जब भी भूकंप आए, घर में हो या विद्यालय में हो, कहीं भी हो, तुरंत आप खुले स्थानों पर आ जाएं। मकान अगर बहुत बड़ा है, बहुत बहुमंजिला है, तो मकान से बाहर निकल कर आ जाएं। या कई कई बहुमंजिला मकान पर है तो आप क्या करें, कोई मेज या कुर्सी या तखत जो भी है उसके नीचे आप हो जाएं, तुरंत उसके नीचे हो जाएं। तीसरा क्वेश्चन है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। ऊर्जा कई रूपों में होती है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे आने वाले सेकेंड सेमेस्टर के बैक एग्जाम में सभी प्रशिक्षु पास हो जाएं। तो क्वेश्चन तीसरा क्या था, हाँ ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ पर ऊर्जा हम खर्च करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। ऊर्जा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारे इसमें उदाहरण मैंने दे दिए, मकान में, कपड़े में, भोजन में, रेल है, सड़क है, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना, प्रसारण एवं सभी में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं पृथ्वी पर, सभी के निर्माण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसको संरक्षित करने के बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए, ऊर्जा को खर्च होने से रोकना चाहिए, बिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, उसका जितना उपयोग उतना ही करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, कच्चा तेल, कोयला, इन सब का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग करना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए, ये सभी लोगों को पता है कि वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए और नए पौधों को लगाना चाहिए, अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी को प्रण ले लेना चाहिए कि हमें पौधा लगाना ही लगाना है। ईंधन के खपत को कम करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जो ईंधन को कम खपत करते हैं उन सभी वाहनों का यूज करना चाहिए, बैटरी वाले वाहनों का या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का यूज करना चाहिए। तो समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना कि नहीं बना पाएंगे, एकदम प्रैक्टिस करके जाइएगा। चित्र इतना इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। वो आपको फिगर दिख रहा होगा कितना टफ है, कितना इजी है। 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, उसके पहले 16 में पूछा गया था, 17 में नहीं आया है, उसके पहले 15 में पूछा है। मतलब हर ईयर, हर साल एक फिगर आता ही आता है कि इस फिगर का चित्र बना करके उस पर नेमिंग करिए, नामांकित चित्र बनाइए।
तो श्वसन अंग हमारा कौन सा होता है? फेफड़ा। फेफड़े का चित्र आप बना लेंगे, फेफड़ा का चित्र बना हुआ है, आप इसको देखेंगे और आपको अगर इसकी फिगर आपको जरूरत होगी तो लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से जाकर के आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप जो इसमें नेमिंग दी गई है, जो इसमें नेमिंग लिखी गई है वही आप करें, आपको जो समझ में आ रहा है। अब अगर चाहें तो इसमें मुख गुहिका, मुख नाल, ये सारी चीजें फिगर सहित बना करके दर्शा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी नेमिंग दिखाई गई है, सारी इंग्लिश में, इंग्लिश इतनी ज्यादा टफ नहीं है। लैरिंग्स ये आपको लिखना ही पड़ेगा, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। ट्रैकिया हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, एक ही चीज है। मिडिल लंग्स ये आप मध्य वाला फेफड़ा लिख सकते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स, इधर सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट है, और ये ऊपर है इसलिए सुपीरियर, और नीचे वाला का इन्फीरियर लोब ऑफ राइट लंग्स और इधर इन्फीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग्स, क्योंकि ये नीचे दिए गए जो इन्फीरियर में है, नीचे उनको आप इन्फीरियर लोब ऑफ लिखेंगे और जो ऊपर है सुपीरियर लोब ऑफ। ठीक, ये सारे नेमिंग आप कर सकते हैं, बस 4 से 5 नाम लिख देंगे आप, बस उतना ही बहुत है, उतने से आप नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये सारी चीजें आपको हिंदी में लिखी, इंग्लिश में लिखी, सेम हमारे हिसाब से तो इंग्लिश में ज्यादा सही रहता है, साइंस में ज्यादा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती। ठीक, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां से फिगर अच्छे से देखकर बनाइए। अगर फिगर में दिक्कत है बनाने में, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फिगर का लाइव वीडियो फिगर बना करके बताऊंगा कैसे इजी तरीके से फिगर बनेगा, उसकी आप बेफिक्र रहिए कि फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसमें से थोड़ा सा चेंज है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पोषक तत्व आपको वही लिखने हैं, उसमें मेन फोकस विटामिन पर था, इसमें कई सारे हमने फोकस पोषक तत्व आपको पहले ही बता दिए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जितना भी मटीरियल, जितना पोषक तत्व पाया जाता है सारा चीज आप लिख सकते हैं। भाई इन्होंने स्पेशल क्या पूछा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासरकोर और मैरेस्मस। क्वासरकोर में क्या होता है, हड्डियां जो होती सिकुड़ जाती, जो बच्चा होता है उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, शरीर जो होता है सुडौल की जब बेडौल हो जाता है, दिमाग कम काम करने लगता है, अजीब शरीर देखने में लगने लगता है, डर लगने लगता है बच्चे से देखकर उसका, क्योंकि उसका शरीर इधर हड्डी जा रही है कहीं उधर जा रही है, पतला पतला बच्चा हो जाता है, प्रोटीन नहीं मिलेगी शरीर में, कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी तुरंत आप रोग के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रॉपर पहला कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा लघुत्तरी की पहली क्लास में, संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, बताया भी गया आप लोगों को क्यों संतुलित आहार लेना चाहिए, अगर नहीं ले रहे हैं तब रोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, बस लगातार आप इसी वीडियो से जुड़े रहे साइंस की, तो 100% क्लियर गारंटी के साथ आप सेकेंड सेमेस्टर पास हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं और कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं कि आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। सारी वीडियो आपको 15 से पहले सारी वीडियो, सारे क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ही प्रश्न बचे हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे, बस आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम दे जाइए, देने जाइए। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप जरूर अपने सुझाव जो भी है कि हाँ क्वेश्चन सर फंसा था, आया था, नहीं आया था, वो सारी चीजें आप जरूर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाएंगे 4 सेमेस्टर के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप, जितने भी आपके संगी साथी हैं सभी के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे उनका भी फायदा हो और वो भी सेकेंड सेमेस्टर में पास हो जाएं। तो धन्यवाद।